दोस्तों, क्या आपके WhatsApp एप्लीकेशन में किसी पे मैसेज सेंड करते हैं तो आपका मैसेज सेंड नहीं होता है, सेंड करते टाइम आपका फेल्ड दिखा देता है या फिर यहाँ पे जो है सेंडिंग दिखाता है लेकिन सेंड नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा तो सेंड हो चुका है, तो प्रॉब्लम आता है सेंड नहीं होता है, तो कैसे आप सेंड कर पाएंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैसेज से रिलेटेड टोटल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको पहले स्टेप में क्या करना है, आपको WhatsApp पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक आई बटन दिखेगा, ऐप इन्फो का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप पहले कर लेना है, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है एंड इसके बाद फिर से क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है छोटा मोटा ग्लिच होगा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका स्टोरेज यूजेज में जाना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लियर कैच पर क्लिक करना है और क्लियर कैच कर लेना है। इससे दोस्तों छोटा मोटा जो भी कैच डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डाटा यूजेज डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है वो सेटिंग पे को देखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है सेटिंग डिसेबल है, ये अगर आपका इनेबल होगा तो आपको डिसेबल करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिसेबल मोबाइल डाटा है। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो मोबाइल डाटा आपका डिसेबल हो जाएगा आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन से, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है और आपको इस तरीके से डिसेबल करके रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों सबसे मेन प्रॉब्लम आता है परमिशन से रिलेटेड, तो आपको परमिशन में जाना है एंड यहाँ पर परमिशन में जाने के बाद दोस्तों आपको SMS को अलाउ कर देना है, SMS को अलाउ कर देना है एंड उसके बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पर अगर आप अलाउ नहीं करते तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। अलाउ के ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ढूंढना है एंड उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना है और WhatsApp को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको एक बार अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से नया वर्जन हो जाता है, पुराना वर्जन हो जाने के कारण जो है मैसेज सेंड नहीं होता है और उस तरीके का प्रॉब्लम आपको दिखाता है। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और अगर आपको वीडियो यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।